तो जल्दी से अपने एनसीआर बुक्स को खोल लीजिए इस लिंक को भी यार सारी जगह शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले स्टूडेंट्स आप सभी को पता ही होगा इस करोड़ के बारे में करोड़ रुपए ऑन स्टैक स्टूडेंट दिस इज स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन द अन अकेडमी तो यार ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है इसको जरूर एनरोल कीजिए कुछ भी हाथ में लग जाए सर मजा तो आएगा ही सर मेरे को भी थोड़ा सा दे देना बट मैं क्या करूं मैं इसमें एनरोल नहीं कर सकता सर अदरवाइज आई वुड ऑल्सो हैव गॉन फॉर दिस तो सारा डिस्क्रिप्शन अन अकेडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी अवेलेबल है आप इसे जरूर एनरोल करें हो सकता है यू ऑल्सो गेट सम ऑसम प्राइजेस ओके सर स्टूडेंट्स अगर आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो भी अवेलेबल है अब याद देखिये स्टूडेंट्स हो सकता है कि बहुत जल्द अब ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं क्योंकि स्टूडेंट ये जो प्राइसेस हैं ये लास्ट ईयर के प्राइसेस हैं स्टूडेंट्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है आप जल्दी से

तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन कि आखिर ये जो एक्सक्रीशन है इससे हम लोग समझते क्या है तो आपके बॉडी से जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको जब हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी विल बी कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन न हैव द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द मेटाबोलिक वेस्ट जैसे कि मान लीजिए आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है स्टूडेंट इससे आपको सीओ टू और वॉटर नाम का मेटाबोलिक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है और यू नीड टू एलिमिनेट दिस आपके बॉडी में जो प्रोटीन है स्टूडेंट इससे आपको अमोनिया और यूरिया मिलता है एंड यू नीड टू एलिमिनेट दिस आपके बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज द प्यूरिन्स है पैरिमिडीन भी है बट आई एम टॉकिंग हेयर स्पेसिफिकली अबाउट द प्यूरिन्स, उससे आपको मिलता है यूरिक एसिड एंड यू नीड टू एलिमिनेट दिस नो डाउट हर रोज हमारे बॉडी में वन परसेंट ऑफ द आरबीसी का हेमोलाइसिस होता है और जब भी आरबीसी का हेमोलाइसिस होगा मतलब हेमोग्लोबिन इज गोइंग टू गेट गेटिंग द बाइल पिगमेंट दैट इज दिली रूबीन एंड द बिली तो स्टूडेंट बिलीरोन एंड द बिली चीजों को बॉडी से बाहर करना है और स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं याद रखिएगा ये जो एक्सक्रीशन होता है ये पूरी तरह से डिफरेंट होता है फ्रॉम द वर्ड डेफिकेशन तो सर ये डेफिकेशन क्या होता है अब जो भी फूड आपने खाया अब सारा का सारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है नाउ अगर डाइजेस्ट हो भी गया तो सारा का सारा फूड अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है तो जो भी तुम्हारा अनअब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड इंटेस्टिनल कैनाल में बच जाता है उसे हम लोग एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं और यहां पे जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं डेफिकेशन तो जो डेफिकेशन होता है डेफिकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सक्रीशन व्हाट इज दिस दिस इज द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट नॉट ओनली अनडाइजेस्टेड यहां पे होना चाहिए था अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब जिसको आप एब्सॉर्ब भी नहीं कर पाए हैं उसको जब हम लोग एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डेफिकेशन होप स्टूडेंट्स ये वाला स्लाइड सारे लोगों का पूरा क्लियर हो गया ईच एंड एवरी पॉइंट को भाई जल्दी से लिख लीजिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिए ओके सर और चलिए सर लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ओके अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो ये हमारे बॉडी में नाइट्रोजेनस वेस्ट होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं एक अमोनिया हो सकता है एक यूरिया हो सकता है और एक यूरिक एसिड हो सकता है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमोनिया के साथ अब आखिर जो ये अमोनिया है ये हमारे बॉडी में कैसे बनता है तो अभी-अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ये प्रोटीन से बनता है अब देखिए जो प्रोटीन है वो क्या चीज का बना हुआ है वो बना हुआ है एमिनो एसिड्स का और जब एमिनो एसिड्स का डीअमिनेशन होगा मतलब जब आप उसमें से NH2 ग्रुप को बाहर करेंगे तो आपका बॉडी क्या बनाएगा अमोनिया बनाएगा तो अमोनिया कैसे बनता है तो दिस तो इज फॉर्मड बाय द डीएमिनेशन डी देखिएगा दिस इज फॉर्म बाय द डीएमिनेशन ऑफ़ द एमाइनो एसिड्स अब ये जो अमोनिया आपके बॉडी में बना है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है याद देखिएगा दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि ये पानी में बहुत ही रीडली सॉल्यूबल होता है तो याद देखिएगा वेरी लार्ज अमाउंट वेरी लार्ज अमाउंट का क्या मतलब है भाई सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और सबसे ज्यादा इसे पानी चाहिए बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए क्योंकि ये हाईली वाटर सोल्यूबल भी होता है आन स्टूडेंट्स याद देखिएगा कि जनरली हम लोग इसको कैसे एक्सक्रीट करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंस दिस इज वेरी वेरी टॉक्सिक वेट आप इसे अपने बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं तो जहां आप इसे प्रोड्यूस करते हैं बस वहीं से इसे एलिमिनेट कर देते हैं इसके लिए किसी भी तरह का स्पेशल ऑर्गेन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज इसको हम ज्यादा देर तक अपने बॉडी में नहीं रख सकते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस आप इसे बॉडी सर्फेस के थ्रू ही कर देते हैं कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो कि इसे गिल सरफेस के थ्रू भी एक्सक्रीट करते हैं और जब आप गिल सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं तो यू एक्सक्रीट द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयंस दिस क्वेश्चन कैन बी आल्सो अ इंपॉर्टेंट वन तो याद देखिएगा दे आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द गिल सरफेस इन फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयंस जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके एक्सक्रीशन में कोई भी मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेन इज नॉट इन्वॉल्व आप इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गेन बना के रखें कि भाई अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करना है तो आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल ऑर्गेन तो किडनी इसके एलिमिनेशन में किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता है किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल अब देखिए आखिर जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसके एग्जांपल्स क्या है क्योंकि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटेलिक विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्सिक तो सर अगर आपको अमोनोटेलिक होना है तो ऑब्वियस है सबसे पहले तो आपके पास पानी होना चाहिए अगर आपके पास वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप अमोनोटेलिक नहीं हो सकते तो स्टूडेंट्स व्हेन यू सी द एग्जांपल यू हैव गॉट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक द प्रोटोजोन्स

अल्ली स्टेज है दैट इज द टेडपोल दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द अमोनोटेलिक तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड स्टूडेंट्स सेव ईच एंड एवरी पॉइंट हर पॉइंट क्वेश्चन है और आपको ये एग्जाम में आ सकता है चलिए सर जी लेट्स मूव लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन ओहो भाई वेरी गुड वेरी वेरी गुड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट सर क्लास इलेवन से नीट के लिए एट योर फिंगर टिप्स कैसे अच्छे हैं भाई पूरा इंडिया जानता है ठीक है द क्वेश्चन चलिए सर ओके okay? अभी हमारा मेन फोकस है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज पूरा का पूरा आप यहां पे ध्यान दीजिए देखिए नो डाउट यहां पे मैं आपको केवल एनसीआरटी बताता हूं कुछ ही एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं फिर भी ज मोर देट दिस इज मोर देन सफिसियंट अगर आप इनका अच्छा से यूज करें ठीक है? Okay. है वो है तुम्हारा यूरिया अब देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया ये आखिर आपके बॉडी में कैसे बनता है तो देखो स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में अमोनिया कैसे बनता है तो अमोनिया हमारे बॉडी में बना था डी एमिनेशन से स्टूडेंट्स पे अटेंशन है यहां पे थोड़ा सा मैं एक स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ कर रहा हूँ आपके पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं आपके पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं एमिनो एसिड के पास एक ग्रुप है एनेस्टू आप क्या करो उसका डीएमिनेशन कर दो उसका आप डी एमिनेशन कर दो जैसे आप इसका डी करोगे तो बॉडी क्या रिलीज करेगा तो दिस इज गोइंग टू रिलीज द अमोनिया और इसके साथ साथ एसिड्स के पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है वहां पे आप डी कार्बोक्सिलेशन कर दो वहां पे आप डी कर दो मतलब सीओ टू को बाहर निकाल दो तो इसके कारण से क्या निकलेगा सीओ टू निकलेगा अब आपके पास दो चीज बन गए हैं एक है एन और एक है सीओ ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे आर गोइंग टू एंटर इनटू अ साइकिल कॉल्ड द ऑर्निथिन साइकिल दे आर गोइंग टू एंटर अ साइकिल कॉल्ड द ऑर्निथिन साइकिल और स्टूडेंट ये जो साइकिल होता है, ये हमारे लिवर में होता है ये कहां पे होता है? लिवर में होता है एंड दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस यूरिया तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग अपने बॉडी से ह्यूमन ह्यूमन अपने बॉडी से क्या एक्सक्रीट करते हैं तो मेनी पीपल लव टू गिव द एंसर द यूरिया कि भाई हम लोग तो यूरियोटेलिक हैं तो हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते होंगे लेकिन आप थोड़ा ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई हमारा जो एक्सक्रीशन है वो आखिर किस चीज को बॉडी से निकालना चाहता है तो स्टूडेंट एक्चुअली वी वॉन्ट टू रिमूव द एन एस थ्री एंड जस्ट कन्वर्टेड होता है ये एक्चुअली होता है अमोनिया और सीओ टू को बॉडी से बाहर करने के लिए ना कि यूरिया को बाहर करने के लिए होप एवरीबडी गॉट दिस तो ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए चलिए सर एक बार आपने ये सारे चीजों को समझ लिया अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू दिस पार्ट आप, आप देखिए कि सर जी ये ये जो अमोनिया है, ये हमारे बॉडी में बना था बाय द मेटाबॉलिज्म एंड इट कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द लिवर लेकिन अमोनिया के कंपैरिजन में जो यूरिया होता है वो थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होता है तो आपका बॉडी इसे थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त कर सकता है

जितने भी टेरिस्टियल एम्फीबियंस हैं अभी देखिए मैंने थोड़ा देर पहले बताया था टेटपोल टेटपोल वॉज द एक्वेटिक एम्फीबियन जब यहां पे आया टेरिस्टियल एम्फीबियन तो चेंज हो गया वो हो गया यूरिया क्योंकि यूरिया में बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए तो स्टूडेंट आपके पास अगर थोड़ा भी पानी है तो यू कैन गो फॉर दिस एंड स्टूडेंट्स जितने भी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं जितने भी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं

कि भाई यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम पानी का रिक्वायरमेंट होता है तो शायद कैमल भी यूरिकोटेलिक होगा बट ऐसा नहीं है ओके सो so ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए चलिए एक बार आप लोग इन सभी चीजों को समझ गए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट अब बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में अस टॉक अबाउट द यूरिक एसिड ठीक है तो स्टूडेंट्स सबसे पहला चीज कि आखिर ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कैसे बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है प्यूरीन जो प्यूरीन है जब इसका कैटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन प्यूरिन इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट स्टूडेंट्स याद देखिए ये एक नाइट्रोजन बेस है और इससे बनता है यूरिक एसिड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक सबसे कम टॉक्सिक अगर कोई है तो वो होता है यूरिक एसिड और इस कारण से आप इसको अपने बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स इट कैन बी रिमूव मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि पानी से बहुत दूर रहते हैं ऑब्वियसली दे आर गोइंग फॉर द यूरिक एसिड मतलब ये जो एडेप्टेशन है कि आप यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करना चाहते हैं ऐसा क्यों करते हैं आप इसलिए करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू कंजर्व वॉटर जितना ज्यादा पानी को कंजर्व करना है तो यू गो फॉर द यूरिक एसिड ठीक है अब स्टूडेंट्स लेट्स एग्जाम्पल्स ऑफ द यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो भी तुम्हारे रेप्टाइल्स हैं जनरली द टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल्स जो भी हैं जो भी तुम्हारे बर्ड्स हैं जो भी तुम्हारे टेरिस्ट्रियल स्नेल्स हैं इंसेक्ट्स हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी फॉलिंग अंडर द दिस कैटेगरी अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीआरटी आउट ऑफ एनसीआर देखिए होता क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स के पास यूरिक एसिड को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम होता है यूरिकेस याद आई सेड दैट यू हैव एंजाइम कॉल्ड यूरिकेस जो कि यूरिक एसिड को ब्रेक कर देता है इनटू अ कंपाउंड कॉल्ड एलेंटोइन इंटू अंपाउंड कॉलेंटॉइन और जो एलेंटॉइन होता है वो कम टॉक्सिकूमन है कि ये वाला एंजाइन नहीं होता है जो ह्यूमन होता है दे लैक दीज एंजाइन द यूरिकेज एंजाइन तो स्टूडेंट इस कारण से हम लोग यूरिक एसिड को ब्रेक नहीं कर पाते और स्टूडेंट्स अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया किसी भी कारण से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो यू कैन सफर फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट इज द गाउट और भी डिसऑर्डर्स होते हैं बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप बस गाउट याद रखिए यूरिक एसिड इज रिलेटेड विथ वॉट गाउट तो अगर क्वेश्चन पूछा कि भाई क्यों क्यों हमारा बॉडी यूरिक एसिड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ह्यूमंस के पास यूरिकेज नाम का एंजाइम नहीं होता है होप एवरीबडी गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट तो इन सारे पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से लिख के रखिए ओके चलिए सर जी चलिए वेरी वेरी गुड और यार सारे जगह एक बार लिंक भी शेयर कर दो एक बार कुछ दिल उल दो यार आप लोग क्या कर रहे हो यार कमेंट सेक्शन बड़ा खाली खाली है यार कमेंट सेक्शन बड़ा खाली खाली मजा नहीं आता है ऐसे नहीं चलेगा ऐसे एकदम नहीं चलेगा प्लीज जल्दी से जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर कीजिए सारे लोग जल्दी से एक बार शेयर कीजिए और भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए मेरे को एनर्जी नहीं आ रहा ना मेरे को बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रहा ओके सर ओके अब अच्छा लगा अब अच्छा लगा अनहा खान रिया गुप्ता अंकित डॉक्टर गौरव शर्मा शिखा जायसवाल साहिल खान सूर्या कांत फैन ऑफ राजकुमार सिंह ओके सर वेरी वेरी गुड चलो सर हाँ अब थोड़ा सा फीलिंग आती है ना जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो थोड़ी फीलिंग आती है तो फिर मजा आता है कि फिर चलो और 10 मिनट फिर एनर्जी के साथ पढ़ाएं ठीक है सर ओके अब देखो अब, अब एनर्जी आ गई है अब देखिए अगले 10 मिनट फिर से आग लगाते हैं चलिए सर लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट इतना चीजों को समझने के बाद इतने चीजों को समझने के बाद अब बात करेंगे एन में कुछ स्पेशल एक्सक्रिट्री ऑर्गेन्स के नाम दिए हुए हैं आपको याद होने चाहिए देखिए अभी तक हमने NCRT का केवल फर्स्ट पेज कवर किया है आप आप देखिए, इतने देर से मैं बोल रहा हूं। कितने सारे पॉइंट्स थे फर्स्ट पेज में आप सोच सकते हैं। लोग सोचते हैं कि वे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। सारा पॉइंट कहीं था, ये भी NCRT का। लेट्स सी समर्गन सबसे पहला है फ्लेम सेल्स आपको ये क्वेश्चन मैच द तो जो फ्लेम सेल्स है ये प्लेटी हेलमेंथिस में पाया जाता है दैट इज द फ्लैट ठीक है आप ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा इसके अलावा सिफेलोकॉडेट लाइक द एम्फक्स तो याद कर लिया सबसे पहला फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमेंथिस ओके सर जैसे कि आप सिंपली मान लो इमेजिन करो यार अगर आप अगर मान लो आप भूल जाते हैं फ्लेम समझते हो फ्लेम मतलब आग लगा हुआ है ठीक है तो आपके पास एक प्लेट है सोचिए कि एक प्लेट है और प्लेट में आप कुछ पका रहे हो ठीक है और उसके नीचे में फ्लेम है आग लगा हुआ है यू कैन सिंपली मेमोराइज लाइक दिस तो आपको हमेशा याद रहेगा कि प्लेट है प्लेट पे आप कुछ पका रहे हो नीचे में फ्लेम है तो यू कैन रिमेंबर दिस द फ्लेम सेल्स आर गोइंग टू बी फाउंड वेयर इन द प्लेटी हेलमेंथिस ठीक है दूसरा है तुम्हारा नेफ्रेडिया दूसरा है तुम्हारा नेफ्रेडिया तो अगर तुम इसमें देखो द एंसर इज एनिलिड्स इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है अगर आप इसके नाम को ही देखो तो ये अपने बोलता है कि भाई मेरे पास क्या है तो नेफ्रीडिया है तो एन ई नेफ्रीडिया बस एक को हटा दिया तो आंसर आ गया कि भाई नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट बेसर इन द द दैट इज दिट्स जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जो भी इंसेक्ट्स होते हैं दे हैव गॉट द गॉड टिब्यूल्स दे हैव गॉट द मेलफीजियन टिब्यूल्स तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिए कि मेल्फीजियन टिब्यूल्स जो होते हैं ये कॉकरोच में पाया जाता है सारे लोग एक साउट आउट क्वेश्चन आ रहा है साउट आउट क्वेश्चन हाउ मेनी मेलफीजियन ट्रिब्यूल्स आर फाउंड इन कॉक्रोच एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश चलिए किसके जंक्शन पे मेलफीजियन ट्रिब्यूल होता है और कितने होते हैं कमेंट कमेंट द इन द आंसर चलो सर कमेंट मीन द आंसर चलिए कमॉन मी सी मी सी मी सी एट द जंक्शन ऑफ द एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गेरी वेरी गुड इंजॉय द लाइफ इंजॉय द लाइफ थैंक यू एवरी वन थैंक यू एवरी वन फॉर लविंग सो मच सच अ गुड एंसर एंड द लास्ट वन एंड द लास्ट वन इज द प्रोन्स इज द प्रॉन्स अब देखिए प्रॉन्स किसके अंदर में आता है क्रस्टेशियंस तो क्रस्ट आप लोग समझते हो या द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आपको बताइए कि अगर आप हमारे अर्थ के क्रस्ट को देखना चाहें तो क्या देखेंगे भाई सारी जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखेंगे तो ऑबवियस तो है द क्रस्ट ऑफ द अर्थ शुड बी ग्रीन तो ऑबवियसली जो क्रस्टेशियंस हैं इनके पास कैसे ग्लैंड्स हैं तो ग्रीन ग्लैंड्स हैं याद हो गया सर और अगर आप प्रॉन को देखें, तो प्रॉन को देखेंगे कि भाई उसके पास कुछ इस तरह से प्रोजेक्शंस निकले होते हैं बस इमेजिन कर लीजिए कि इज़ द एंटीना ऑफ दैट तो भाई इस तरह से आपने सारा याद कर लिया कि सर फ्लेम सेल्स प्लेटी, हमेशा याद रहेगा नेफ्रेडिया, इंसेक्ट मेलफीजियन टिब्यूल और द ग्रीन ग्लैंड और एंटीना ओके सर वेरी गुड चलिए सर जी आपको ये पूरा का पूरा याद हो गया थैंक यू एवरी वन लेट्स एंजॉय द क्लास लेट्स एंजॉय द क्लास ओके अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम के बारे में कि आखिर जो ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम है इसमें क्या क्या एक्सक्रिटरी ऑर्गेन्स होते हैं तो देखिए सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी एक्सक्रिटरी ऑर्गेन है वो है किडनी द किडनी इज द प्राइमरी एक्सक्रिटरी ऑर्गेन दिस इज द प्राइमरी एक्सक्रिटरी इज द किडनी बट क्या हम लोग के पास केवल किडनी है एक्सक्रीशन करने के लिए वी हैव द अदर थिंग्स ऑल्सो एंड स्टूडेंट्स दिज ऑल आर कॉल्ड द एक्सेसरी दिज ऑल आर कॉल्ड द एक्सेसरी तो सर एक्सेसरी में क्या क्या है सबसे पहला यू शुड नो अबाउट द स्किन कि सर जी सबसे पहले तो स्किन है यस yes, सर हमेशा हम लोग यहाँ से स्वेटिंग करते रहते हैं तो स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द प्रेजेंस ऑफ द स्वेट ग्लैंड कभी अपने पसीने को थोड़ा टेस्ट किया है तो जब भी आप पसीने को टेस्ट करेंगे तो भाई नमकीन लगेगा सर तो याद देखिए कि पानी तो है ही उसमें नमक भी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स यू हैव गॉट आल्सो एंड यू हैव गॉट द लैक्टिक एसिड आल्सो याद रखिए तो स्वेट के थ्रू हम लोग क्या क्या सेक्रेट करते हैं साउट आउट क्वेश्चन आ रहा है जो लोग सही आंसर बताएंगे उनका नाम लिया जाएगा ठीक है एक ऐसा डिसऑर्डर का नाम बताइए एक ऐसा डिसऑर्डर का नाम बताइए जिसमें कि आपके पसीने में बहुत ज्यादा सॉल्ट आता है बहुत ज्यादा एनएसीएल आता है एक्सेसिव सॉल्ट इन द स्वेट इज अ फीचर ऑफ विच डिजीज कमॉन एनसम इधिस कमोन एनसम इधिस कमोन एनसम दिस कम कम ऑन ऑन कम ऑन कम ऑन वेटिंग फॉर योर यू कम ऑन वेटिंग फॉर योर एंसर अभी तक आंसर नहीं आया है अभी तक आंसर नहीं आया है भाई क्या है भाई कमेंट सेक्शन काम नहीं कर रहा क्या ओके okay, काजल कुमारी एक्सलेंट आंसर काजल कुमारी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस याद करके रख लीजिए याद करके रख लीजिए सारे लोग ये क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन हो सकता है अगर ये नीट में आ गया सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस ओके ये पक्का और पक्का ओके सिस्टिक फाइब्रोसिस याद देखिए, यहां पर होता है एक्सेस एन एक्सेस एन इन द स्वेट एक्सेस एनएसीएल इन द स्वेट ओके तो ये बिल्कुल याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिस्टिक फाइब्रोसिस ओके चलिए अब स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड नहीं पता था तो अब पता चल गया ना सर अब पता चल गया याद देखिएगा ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है चलिए सर ओके लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट स्किन में कभी कभी आपको पिंपल्स हो जाते हैं यार आप देखते हैं भाई सर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं सर मेरे को भी पहले बहुत होते थे मेरे को भी पहले बहुत होते थे तो ये जो पिंपल्स होते हैं स्टूडेंट ये इसके कारण से होते हैं द सीबेसियस ग्लैंड ये जो हमारे पास सीबेसियस ग्लैंड हैं इसके थ्रू द पिंपल्स होते हैं तो सीबेसियस ग्लैंड के तरफ से आप क्या एक्सक्रीट करते हैं तो यू एक्सक्रीट द स्टेरॉल्स यू एक्सक्रीट द हाइड्रोकार्बन एंड यू एक्सक्रीट द वैक्सेस ठीक है इन वैक्सेस के कारण से जो अपना स्किन है ना थोड़ा चिकना रहता है थोड़ा लुब्रिकेट रहता है ठीक है तो स्टूडेंट्स याद स्किन में दो चीज है एक स्वेट हो गया और एक ग्लैंड हो गया दोनों के थ्रू क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं सारे क्वेश्चन आए हुए लंग्स नाउ कम्स द लंग्स जिसके थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर को एलिमिनेट करते हैं याद देखिए सीओ टू एंड वॉटर इज एलिमिनेटेड थ्रू आवर लंग्स थर्ड वन हेयर इज योर लिवर भाई लिवर के थ्रू क्या क्या एक्सक्रीट करते हो सर तो लिवर के थ्रू वी आर एक्सक्रीटिंग कोलेस्ट्रॉल एंड दल हॉर्मोन्स ड्रग्स तो दीज आर दिंग्स वी आर एक्सक्रीटिंग थ्रू द लिवर तो ये सारा का सारा याद रखिएगा यहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सब चीज एन सी आर टी में है ये शायद एनसीआरटी के लास्ट पेज में दिया हुआ है ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द पेज बट ये एनसीआरटी में लास्ट में दिया हुआ है ओके सर वंस यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग वंस यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग मेरा हुआ है समर में ज्यादा होता है वाह 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 वेरी गुड चलिए सरजील अरे कोई बात नहीं यार ये सारे इस एज में सबको होता है मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि भाई सर पिंपल्स आ गया सर आजकल उतना स्मार्ट नहीं लग रहे सर अरे भाई आप थोड़ा सा वेट कीजिए ठीक हो जाएगा यू आर ऑलरेडी सो मच स्मार्ट ओके चलिए लेट सी लेट सी द नेक्स्ट पार्ट अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ह्यूमन किडनी के बारे में अब देखिए ये जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं ह्यूमन किडनी मैं चाहता तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ाता वो अभी पढ़ाएंगे वो अभी के अभी पढ़ाएंगे लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अब किडनी से देखिए ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है तो किडनी में सबसे पहला तो ऑब्वियस है ये आपके बॉडी में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा ये सबको पता है लेकिन आपको इतने सारे चीज भी पता होने चाहिए लास्ट ईयर इसी कॉन्सेप्ट से दे गिव अ वेरी गुड क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है तो याद देखिए जो किडनी है इसके कारण से हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है याद रखना कि जो ये विटामिन डी बनता है ये जो विटामिन डी बनता है इसको बनाने में देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व स्किन इज इन्वॉल्व लिवर इज इन्वॉल्व एंड किडनी इज इन्वॉल्व इन तीन चीजों में किसी में भी डैमेज आया तो बॉडी में विटामिन डी का प्रॉब्लम हो जाएगा तो विटामिन डी के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है तो सर विटामिन डी से क्या रिलेशन है विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है याद देखिए विटामिन डी विल हेल्प इन द एब्सॉर्पन ऑफ द कैल्शियम तो अगर बॉडी में विटामिन डी कम हुआ तो बॉडी में कैल्शियम भी कम हो जाएगा और कैल्शियम कम हुआ तो कितने सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं वो तो सारा आप सोच सकते हैं अभी टाइम नहीं है बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में अभी के लिए बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है अगर किडनी में प्रॉब्लम आया तो इसके साथ साथ ये जो किडनी है ये एरिथ्रोपोइटीन सेक्रेट करता है एरिथ्रोपोइटीन सिक्रिट करता है और जो एरिथ्रोपोइटीन का सिक्रीशन होता है याद देखिए स्टूडेंट उसके कारण से आरबीसी का सिंथेसिस होगा तो अगर तुम्हारे बॉडी में किडनी में प्रॉब्लम आया तो आपको एनीमिया भी हो सकता है आप में आरबीसी कम बन सकता है स्टूडेंट्स ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है या देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस काम ऐसे लिवर का है बट किडनी भी कुछ हद तक ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सिस तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर कि आखिर स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में किडनी का क्या क्या फंक्शन है यू शुड नॉट मिस ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं साउट आउट क्वेश्चन कमिंग अप साउट आउट क्वेश्चन कमिंग अप चलिए सर जी बताइए मेरे को थोड़ा सा मेरे को बताइए वट इज द स्टूमुलस वट इज द स्टूमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीशन व्हाट इज द स्टूमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीशन क्यों किडनी एरिथ्रोपोइटीन सिक्रीट करेगा कमोन एंसम इधिस कमोन एंसम इदिस आ, बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है वेरी गुड वेरी गुड मजा आ गया एक्सेलेंट जवाबेंट एक्सलेंट यू आर एकदम एक्सलेंट ये पक्का मेरा अपना स्टूडेंट है ये सारा का सारा मेरा नोट्स पहले से पढ़ के बैठा हुआ है और कोई उपाय नहीं नहीं इतना हर बार सही आंसर नहीं हो सकता तो स्टूडेंट इसका स्टूमुलस होता है हाइपोक्सिया इसका आंसर होता है हाइपोक्सिया जब भी आपके बॉडी को हाइपोक्सिया होगा तभी जाकर एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होगा एनटीए वाले पेपर में भी देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है और हाइपोक्सिया के बहुत सारे काउज हो सकते हैं वन ऑफ द सिंपल काउज इज हाई ऑल्टीट्यूड वन ऑफ द सिंपल काउज इज हाई ऑल्टीट्यूड फिर हो सकता है

वन पेयर ऑफ किडनी होती है वन पेयर ऑफ किडनी होती है अब देखिए स्टूडेंट्स वन पेयर ऑफ किडनी अब मान लीजिए किसी कारण से आपका एक किडनी खराब हो गया आपका एक किडनी खराब हो गया तो मेरे को क्या करना चाहिए क्या मेरे को आपको किडनी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मेरे को आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए क्योंकि आपका एक किडनी खराब हो गया है दिस ओके वेटिंग फॉर द आंसर्स वेटिंग फॉर योर आंसर्स नहीं सर बिल्कुल सही बिल्कुल सही बताया नहीं सर नहीं जरूरत है मान लो ट्रांसप्लांट तुमने कर भी दिया तो किसी से तो ले क्यों करोगे ना यार तो तुमको दो का जरूरत है और जिससे लिया है उसको क्या बस एक ही का जरूरत है तो इसका यही मतलब है स्टूडेंट कि एक किडनी से भी काम चल जाता है देखिए होता क्या है कि अगर किसी कारण से वन किडनी फेल हो जाता है अगर किसी कारण से वन किडनी फेल हो जाता है कोई बात नहीं है ये दोनों किडनी एक दूसरे के भाई हैं अगर एक भाई चला भी गया तो दूसरा भाई बोलता है कि डोंट वरी आई एम देयर आई टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो बगल वाला किडनी है वो अपने साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद देखिए द अदर किडनी एंड लार्जेस्ट द अदर किडनी एंड लार्जेस्ट और स्टूडेंट अब ये क्या करेगा दूसरे किडनी के फंक्शन को टेक ओवर कर लेगा अपना काम तो करेगा ही करेगा दूसरे का भी काम करेगा और इसको बोलते हैं हम लोग क्या इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेट्री हाइपर ट्रॉफी थोड़ा अंग्रेजी है ध्यान दीजिएगा कॉम्पेंसेट्री मतलब कॉम्पेंसेट करने के लिए आपने अपने साइज को क्या किया है बड़ा कर लिया है तो भाई इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि दूसरा किडनी अपने आप को एनलार्ज कर लेता है एंड इट इज एनफ फॉर द फंक्शनिंग ओके ये आपके बॉडी से बिल्कुल आराम से अकेला ही सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल सकता है ठीक है ओके वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द फर्दर दूसरा चीज क्या है दूसरा है अ पेयर ऑफ यूरेटर फिर है एक एक है एक एक यूरिनरी ब्लैडर और अब इस डायग्राम में तो यार आप सब जानते ही होंगे अब ये नहीं जानेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ओके okay, सर अब पे अटेंशन कि किडनी के ऊपर में किडनी के अपर पोल में किडनी के अपर पोल में एक बड़ा सुंदर सा ग्लैंड होता है और इस ग्लैंड का नाम क्या है इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंडल ग्लैंडल ग्लैंड पोलोना जो किडनी है उसमें रीनल आट्री आ रहा है जस्ट पे अटेंशन में थोड़ा सा स्क्रीन चेंज कर रहा हूं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है देखिए मान लीजिए नाउ जस्ट सी दिस किडनी। अब इस किडनी का जो सप्लाई है दिस सप्लाई इज द रीनल आर्टरी, ओके। अब आप मेरे को बताओ कि ये रीनल आर्टरी से आता है? ये रीनल आर्टरी कहां से आता है तो स्टूडेंट्स याद देखिएगा दिस रीनल आर्टरी, दिस रीनल आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम द अवोटा ये डायरेक्ट ब्रांच है रीनल आर्ट्री इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ अ ओटा नेवर मिस दिस पॉइंट दिस इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द ओटा और यही कारण है कि रीनल आर्ट्री में ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से एंटर करता है देखिए हमेशा आप पढ़ते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई प्रेशर और उसका एक ही रीजन आपके बुक में दिया रहता है कि जो इफरेंट आर्टेरियल होता है वो नैरो होता है एस कंपेयर टू एफरेंट लेकिन ये रीजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि रीनल आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ अवोटा तो अवोटा तो भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से आया लेफ्ट वेंट्रिकल ने बहुत ही मैक्सिमम फोर्स से ब्लड को पंप किया है तो स्टूडेंट दैट फोर्स इज नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू दिस रीनल आर्टरी ओके अब देखिए यहां से बाहर कौन निकलता है यहां से बाहर निकलता है द रीनल भेन यहां से बाहर निकलता है द रीनल भेन आप मेरे को बताओ रीनल भेन किसे ज्वाइन करेगा रीनल भेन किसे ज्वाइन करेगा तो रीनल भेन इज गोइंग टू ज्वाइन होम तो दिस इज द इंफीरियर भेना काभा दिस इज द इंफीरियर भेना काभा तो स्टूडेंट्स ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि सर जी कहां पे क्या है ठीक है तो स्टूडेंट्स इंफीरियर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर अच्छा शायद ये कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा फिर भी यार भावनाओं को समझते हुए भावनाओं को समझते हुए लिख लीजिए टाइम थोड़ा कम है ठीक है ओके चल द नेक्स्ट पार्ट इतने चीजों को समझने के बाद अब देखिए स्टूडेंट्स की किडनी का जो पोजीशन है वो क्या है एनसीआरटी में सबसे पहला चीज यही दिया हुआ है कि किडनी का पोजीशन क्या है तो देखिए अगर आप इस किडनी को देखते हैं तो स्टूडेंट इसका जो अपर पोल है इसका जो अपर पोल है ये आपका आएगा T12 पे ये आएगा T12 पे मतलब थोरेसिस भटिब्रा जो लास्ट थोरेसिस भटिब्रा है वहां पे इसका अपर पोल है उसके बाद L1, फिर L2 और फिर L3, ये है L1, ये है L2 और फिर है L3। तो स्टूडेंट जो किडनी है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है तो T12 ट्वेल्व अपर पोल है और जो लोअर पोल है वो है L3। तो दिस इज द एक्सटेंड ऑफ द किडनी होप एवरीबडी गॉट दिस ओके सर वेरी वेरी गुड मजा आ गया फिर से अब देखिए स्टूडेंट दिस इज ऑन द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द डोर्सल अगर मैं इधर से हाथ डालूं तो भेंट्रल होगा और इधर से हाथ डालूं तो डॉर्सल होगा किडनी पीछे साइड है मतलब अगर आपको किडनी चोर बनना है मान लीजिए भाई आप डॉक्टर बन गए आप बोले नहीं सर मैं तो किडनी चोर बनूंगा ठीक है तो भाई आप इधर से चोरी कीजिए सामने पड़ेगा जल्दी निकाल पाएंगे इधर से जाएंगे दूर होगा तो याद देखिएगा दिस इज गोइंग टू बी द डोरसल इनर वॉल जो किडनी होता है याद देखिए ये पेरिटोनियम के पीछे होता है एंड दैट इज द रीजन दिस इज अट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर ये एनसीआर में नहीं दिया हुआ है लिख लीजिएगा दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बता पाऊं बस आप इतना याद रखिए कि ये पेरिटोनियम के अंदर नहीं है उससे बाहर है ठीक है तो दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर अब होता क्या है कि जो अपना राइट किडनी है राइट किडनी लेफ्ट किडनी द राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट वट इज द रीजन फॉर दिस तो यहां पर एक बड़ा सा ऑर्गेन एंड दैट लार्ज ऑर्गेनगेट इज योर लिवर तो स्टूडेंट याद देखिएगा कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन बिकॉज द लिवर ऑक्यूपाइज द लार्ज एरिया ऑन द राइट साइड ओके चलिए सर जी वेरी वेरी गुड लेट्स प्रोसीड नहीं नहीं भावनी अभी टाइम नहीं है रिट्रोपेरिटोनियल अभी समझाने का टाइम नहीं है ठीक है नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा ओके लेट्स प्रोसीड प्रोसीड लेट्स प्रसीड. मैं किसी दूसरे दिन ना क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है अब स्टूडेंट्स लेट्स सी द वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑफ दिस किडनी ओके तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि किडनी में ये जो एरिया है ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं हाइलम किसी चीज को भी किडनी में घुसना है किसी चीज को भी बाहर निकलना है तो बस यही पॉइंट जैसे कि मान लीजिए किसी भी रूम में एक दरवाजा होता है उसी के थ्रू आप अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं तो स्टूडेंट्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफ़ेस क्यों बोला इसने ऐसा क्योंकि ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स है ये जो सरफेस है ये कॉन्केव है तो कॉन्केव सरफेस के बीचों बीच जो एरिया है कॉल्ड द हाइलम, इसको बोलते हैं हाइलम अब हाइलम के थ्रू तुम्हारा यूरेटर बाहर आता है हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी अंदर जाता है हाइलम के थ्रू रीनल वेन बाहर आता है हाइलम के थ्रू ही तुम्हारे जो नर्व्स हैं तुम्हारे जो लिम्फेटिक्स हैं सारे के सारे चीज किडनी के हाइलम के थ्रू ही आएंगे और हाइलम के थ्रू ही जाएंगे ठीक है अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए समथिंग अबाउट द आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी आपको आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी भी पता होना चाहिए यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो देखिए सबसे पहला ये जो कवर होता है किडनी का ये जो कवर होता है किडनी का कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसको बोलते हैं हम लोग रीनल कैप्सूल इसको क्या बोलते हैं रीनल कैप्सूल इसके ऊपर में स्टूडेंट्स कुछ फैट होते हैं इसके ऊपर में क्या होते हैं फैट होते हैं ठीक है तो ये जो फैट है इसको बोलते हैं रीनल फैट आप पूरे में बना लीजिएगा अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो दिस इज कॉल्ड एज द रीनल फैट इसको बोलते हैं रीनल फैट ओके और इसके भी बाहर में एक और लेयर होता है और इस लेयर को बोलते हैं रीनल फासा इसको क्या बोलते हैं रीनल फासा ओके तो स्टूडेंट्स बाहर से अंदर की तरफ अगर आपको बोला जाए कि अरेंज कीजिए सबसे बाहर में रीनल फासा उसके बाद रीनल फैट सबसे अंदर में रीनल कैप्सूल दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द किडनी ओके सर होप एवरीबडी गॉट दिस चलिए अब <laughs> कैप्सूल के अंदर में वो आएगा आएगा अभी नहीं बात किया है वो आएगा चलिए एक बार ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ठीक है अब देखिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसको अप कर रहा हूं इसको मैं थोड़ा सा क्लियर अवे कर रहा हूं अब देखिए कि जो ये स्ट्रक्चर है इसमें दो पार्ट है एक पार्ट है तुम्हारा आउटर कॉटेक्स अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया ठीक है तो ये जो बाहर वाला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉटेक्स इसको बोलते हैं कॉटेक्स अब देखिए जो कॉटेक्स है ये देखने में पूरा डार्क होता है और ग्रेन्युलर होता है इस डायग्राम में नहीं पता चल रहा है मतलब ये कुछ इस टाइप का होता है ग्रेन्युलर ओके और जो ये मेडुला होता है जो कि अंदर वाला पार्ट है जो कि अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स मेडुला में लाइनिंग lining, आपको दिखते हैं मतलब द स्ट्राइटेड टिब्यूल्स आर गोइंग टू बी सीन अभी हम लोगों ने नेफ्रॉन नहीं पढ़ा है जब मैं नेफ्रॉन बताऊंगा तो नेफ्रॉन में दो तरह की चीजें होंगी कुछ चीजें सीधी सीधी होंगी आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा जैसे कि लूप ऑफ एनले है डिसेंडिंग डिंग आपका जो कलेक्टिंग ट्रिब्यूल है तो ये सब सीधी सीधी पार्ट होती है तो जो भी सीधी सीधी चीजें होती हैं दे ऑल आर फाउंड इन द मेडुला और जितना भी टेढ़ा मेढ़ा चीज होगा जैसे कि आपका वोमेंस कैप्सूल हो गया PCT हो गया डीसीटी हो गया हर टेढ़ी कॉटेक्स कुरकुरे कुरकुरे तो में प्रेजेंट है जो भी सीधा सीधा है, वो मेडुला में है, वो में ये आपको पता होना चाहिए अब स्टूडेंट्स देखिए कि जो मेडुला होता है मेडुला कंसिस्ट ऑफ द रीनल पिरामिड्स दीज आर द रीनल पिरामिड्स ओके तो ये पिरामिड का जैसा है अब ये जो पिरामिड है पिरामिड का जो एपेक्स है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको इसको अलग से डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको अलग से डायग्राम में दिखाता हूं आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जस्ट वेट ओके नाउलेट सी अब देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये मैंने आपका बना दिया वन ऑफ द रीनल पिरामिड दिस इज द रीनल पिरामिड ओके अब देखिए इस साइड क्या है तो दिस साइड इज द आउटर साइड ये तुम्हारा आउटर साइड है तो आउटर साइड इज द और इधर की तरफ तुम्हारा मेडुला है ठीक है अब मेडुला में आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये लाइनिंग्स हैं, इस तरह से ये लाइनिंग्स है ठीक है ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड ओके और इसका जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द रीनल पैपिले इसको बोलते हैं रीनल पैपिले अब जो ये रीनल पैपिले है दिस इज गोइंग ओपन इनटू ये जो एरिया होगा इसको हम लोग बोलेंगे द कैलिसिस इसको बोलेंगे द कैलिसिस ठीक है तो रीनल पैपिले कैलिसिस में ओपन करेगा कैलिसिस में जो पहला कैलिस होगा उसको बोलेंगे माइनर कैलिसिस माइनर कैलिसिस के बाद कौन सा आएगा द मेजर कैलिस और उसके बाद द द द आर गोइंग टू ओपन इनटू इनटू रीनल रीनल पेल्विस पेल्विस दिस विल बी ओपनिंग ओके तो ये सारे के सारे चीज आपको पता होने चाहिए ओके सर वेरी वेरी गुड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली हैंड रिटन डायग्राम्स में थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आता है ठीक है देखिए इस डायग्राम में अगर आपको थोड़ा सा ये क्लियर अप दिख रहा है मैं थोड़ा सा इसे और क्लियर अवे कर देता हूं ओके नाउ पे अटेंशन नाउ पे अटेंशन एवरी वन देखिए अभी जो मैं रीनल पैपिले ये सब है रीनल पैपिले ओके नाउ सी मैं फिर से एक दूसरा पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं फिर से एक दूसरा पॉइंट मार्क कर रहा हूं ये वाला एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये जो भी एरिया मैंने अभी मार्क किए या फिर अभी जो मैं मार्क कर रहा हूं दीज एरिया माइनर कैलिसिस दीज आर कॉल्ड माइनर कैलिसिस नाउ अगेन आई एम मार्किंग दिस एरिया दिस इज अजर कैलिस दिस इज अ मेजर कैलिस दिस इज अजर कैलिस ओके तो माइनर कैलिस ओपन इन टू द मेजर कैलिसिस ओके नाउ अगेन आई एम मार्किंग जस्ट सी दिस पॉइंट जस्ट सी दिस पॉइंट यह जो एरिया जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं दिस इज द रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस क्या चीज में ओपन करेगा तो दिस बिल ओपन इन टू द यूरेटर दिस बिल ओपन इंटू दूरेटर तो फिर से आपको सारा का सारा डायग्राम याद होना चाहिए रीनल पिरामिड रीनल पिरामिड बिल ओपन इन टू रीनल पैपिला रीनल पैपला विल ओपन इंटू माइनर कैलिस माइनर कैलिस इंटू मेजर कैलिस मेजर कैलिस इंटू रीनल पेल्विस रीनल पेल्विस इंटू यूरेटर और उसके बाद तो आपको पता ही है यूरिनरी ब्लैडर डैश डैस डैश 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 ओके सर वेरी वेरी गुड ओके सर चलिए एक बार स्टूडेंट्स इतने सारे पॉइंट्स आप समझ गए आप जल्दी से देख लेते हैं द आउटर कॉटेक्स एंड द इनर मेडुला दो चीजें यहां पे होती है द मेडुला इज डिवाइडेड अ फ्यू अल मासेस एंड दे आर कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड्स द एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स और इसको क्या बोलते हैं कॉलम ऑफ बटिनी तो सर ये कॉलम ऑफ बटिनी क्या है सर ये कॉलम ऑफ बटिनी क्या है इस डायग्राम में ध्यान दीजिए इस डायग्राम में ध्यान दीजिए मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया था कि जो कॉटेक्स होता है वो डार्क होता है ग्रेन्युलर होता है और जो मेडुला होता है वो स्ट्राइटेड होता है तो आप देखिए कि अगर आप मेडुला को देख रहे हैं तो ये रीजन तो स्ट्राइटेड है ये रीजन तो स्ट्राइटेड है लेकिन इसके बीच में जो ये पार्ट है इसके बीच में जो ये पार्ट है यहां पे तो स्ट्राइसेंस नहीं 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 है तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट्स हैं जहां पे स्ट्राइसेंस नहीं है तो एक्चुअली वो किससे मैच कर रहे हैं वो कॉटेक्स से मैच कर रहे हैं तो द पार्ट ऑफ द कॉटेक्स दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द मेडुला दैट इज कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ द बटिनी याद देखिएगा कि स्टूडेंट इन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं इन पार्ट्स को बोलते हैं कॉलम्स ऑफ द बटिनी और स्टूडेंट इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है ऑफ़ बेलिनी वो मैं देर के बाद बताऊंगा कि सर डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होता है एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम ऑफ द बॉटिनी डक्ट ऑफ़ बेलिनी कुछ और है ठीक है ओके okay. चलिए सर जी लेट्स पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट सर आप रांची से हैं हम औरंगाबाद से हैं आपके एक सेंटेंस भोजपुरी में बोलिएगा अगर आता है तो वाह 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 एकदम दिल जीत लिया भाई एकदम दिल जीत लिया वेरी गुड चलिए सर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट अब स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेफ्रॉन कि आखिर जो ये अपना किडनी बना हुआ है ये क्या चीज से बना हुआ है तो ये नेफ्रॉन से बना हुआ है तो आप देखिए कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स हे यू हैव गॉड अस कैप्सूल यहां पे आपके पास कैप्सूल है ये टेढ़ी मेढ़ी चीज है टेढ़ी मेढ़ी चीज विल बी द पीसीटी उसके बाद यू हैव द लूप ऑफ हेनले उसके बाद फिर से टेढ़ी मेढ़ी चीज दैट इज गोइंग टू बी द डीसीटी एंड फाइनली यू आर गोइंग टू ओपन इन टू द कलेक्टिंग डक्ट तो स्टूडेंट्स इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड दिस सिंपली ड्रॉ अ लाइन हेयर एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ कीजिए एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ कीजिए और जो ये स्ट्रेट लाइन होगा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है कॉटेक्स है और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे क्या है तो मेडुला है तो एग्जाम में बार बार आपसे पूछता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कॉटेक्स में होते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर मेडुला में होते हैं तो सिंपली आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है और आप देखिएगा कि हर टेढ़ी मेढ़ी चीज आ जाएगी कॉटेक्स में हर सीधी सीधी चीज आ जाएगी मेडुला में ठीक है ओके वेरी वेरी गुड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं सबसे पहला कि हर किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं तो याद देखिए एवरी किडनी हैज वन मिलियन अब किसी किसी बुक में दिया रहेगा वन टू वन पॉइंट टू मिलियन तो प्लीज झगड़ा करने मत आइएगा कि नहीं नहीं सर आपने तो वन मिलियन बताया था थोड़ा मोरा चलता है ठीक है वन पॉइंट टू मिलियन अब यही नेफ्रॉन है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का याद देखिए दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी किसी भी नेफ्रॉन के पास दो पार्ट्स होते हैं सर देखिए वन हेयर इज द ग्लोमेरुलस पार्ट एंड अदर वन इज द रीनल टिब्यूल पार्ट अब स्टूडेंट्स पे अटेंशन कि हर नेफ्रॉन रिसीव्स वन वेसल एंड दैट इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टेरियोल हर नेफ्रॉन एक वेसल को रिसीव करता है एफरेंट आर्टेरियोल क्या चीज में रिसीव करता है इन द बोमेंस कैप्सूल और जब ये एफरेंट आर्टेरियोल आता है तो दिस एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड्स इनटू द कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड ग्लोमेरुलस या देखिए कि आखिर ये एफरेंट आर्टेरियोल कहां से आया तो मैंने बताया था कि किडनी में एंटरकॉन करता था रीनल आर्टरी Artery के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जब लास्ट में जब आगे आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस विल फॉर्म द एफरेंट आर्टेरियॉल एफरेंट आर्टेरियॉल विल एंटर इन टू द वोमेंस कैप्सूल और वहां पर यह बनाएगा एक टफ ऑफ कैपिलरी गुच्छा बनाएगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस वहां से बाहर निकलेगा इफरेंट आर्टेरियॉल ग्लोमेरुलर कैपिलरी री यूनाइट टू फॉर्म इनट आटेरियॉल विच ड्रेन द ब्लड आउट ऑफ ग्लोमेर और फाइनली जब यह इफरेंट आटेरियोल है जब यह पास करेगा और जब ये टिब्यूल्स के दूसरे पार्ट से पास होगा तो यह कहलाता है पेरी ट्यूबुलर कैपीलरीस दिस इज गोइंग टू बी द पेरी ट्यूबुलर कैपुलरी इस चीज को अगर आप इस डायग्राम में देखना चाहें

और इसका नाम हो गया क्या ग्लोमेरुलस तो glomerulus क्या है? तो दिस इज कैपिलरी। अब ये बाहर निकला किस फॉर्म में इफरेंट आर्टेरियोल तो अब ये इफरेंट आर्टेरियोल बाहर आया एंड नाउ दिस इफरेंट आर्टेरियोल विल मूव लाइक दिस एंड अब ये इसके चारों तरफ में अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा तो पूरा डायग्राम हॉचप हो गया सर तो देखिए ये टिब्यूल के चारों तरफ में ऐसे कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पेरी टिब्युलर कैपिलरी और यही पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी जब लूप ऑफ हेनले के पैरल रन करता है जब लूप ऑफ हेनले के पैरल रन करता है तो उसे बोलते हैं भाषा रक्ता ये ऐसे मैं बाद में भी बताने वाला हूं लेकिन यहां पे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि भाषा रक्ता कुछ अलग नहीं है भाषा रक्ता इज एक्चुअली द पेरी ट्यूबुलर कैपुलरी विच रन पैरल टू द लूप ऑफ है तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए अब आप अगर एनसीआरटी का डायग्राम देखेंगे अगर आप एन का डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस डायग्राम आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक हॉटपॉच टाइप का डायग्राम इसने पूरा का पूरा बनाकर रखा हुआ है ठीक है स्टूडेंट्स तो अब आपको होप ये डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबसे बड़ा चीज है कि टाइम अब ओवर हो चुका है टाइम अब ओवर हो चुका है अगले क्लास में स्टूडेंट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बोमेंस कैप्सूल बोमेंस कैप्सूल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्यों सर क्योंकि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर री अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ट्यूबुलर सिक्रीशन, काउंटर करेंट मैकेनिज्म मतलब सारी भयानक चीजें पढ़ानी होने वाली है नेक्स्ट क्लास में तो सर अब नेक्स्ट क्लास कब होगा तो नेक्स्ट क्लास कल तो होगा बट कल मेरा क्लास नहीं होगा कल बॉटनी की क्लासेस होगी सैटरडे को हम लोग आग लगाएंगे आज है थर्सडे तो सैटरडे को बिल्कुल आ जाइएगा तीन बजे आज थोड़ा क्लास का टाइमिंग मैंने चेंज किया था बट तीन बजे और सर अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ना है तो आज रात को 9:30 में इसी चैनल पे जेनेटिक्स की क्लास हो रही है जरूर लेकिन उस क्लास को करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिए हैं तीन चार लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं एकदम बेसिक बेसिक है आप उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा ठीक है ओके स्टूडेंट्स चलिए एट्स एंड द सेशन फॉर टूडे और स्टूडेंट्स थैंक यू एवरीवन फॉर यूजिंग दिस कोड आर के सर लाइफ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया अब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जब भी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ऑलवेज यूज दिस कोड सर लाइव थैंक यू एवरी वन हुआ दिस ब्यूटिफुल कोड ओके मजा आते रहेगा लाइक like बटन दबाते रहिएगा शेयर करते रहिएगा वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी थिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो ओके बाय थैंक यू थैंक यू एवरी वन ओके